बाकी जिसको 18 मिल रही है भगवान उसकी बाइक को लंबी माइलेज दे। पूरा हैंडल, पूरा टैंक सब वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया है। जो फ्यूल है अभी वो रेंज 0 दिखा रहा है। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:15 बजे और पूरी रात बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है यहाँ पे, और मैं आ गया हूँ मंदिर में दर्शन के लिए। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे को थोड़ा अंदर से चलना पड़ेगा। ये मंदिर का व्यू अभी पूरा खाली है, लेकिन मेरे ख्याल से लोग भी सुबह के दर्शन के लिए निकले तो फिर लाइन बहुत होने वाली आगे। तो हम में से संजय ने, उसकी बहन ने, उसके जीजा जी ने, सब लोगों ने दर्शन कल रात को ही कर लिए। हम लोग आज सुबह करने वाले, क्योंकि चरण स्पर्श दर्शन और आरती वारती सब मिलने वाली है इसीलिए। तो संजय वो लोग अभी सुबह नहीं आए, वो लोग सोए। अभी दर्शन करके फिर कुछ नाश्ता वाश्ता करके शायद निकलेंगे, या फिर थोड़ा और वेट करेंगे जब तक संजय वंजय सो के ना उठ जाए, फिर सब साथ में ही निकलेंगे। मैंने टी शर्ट भी पहनी है, भोलेनाथ वाली पहनी है। ये लो लाइन में खड़े थे, क्या बोला उसको, क्या बोला नाम? सुबह भी इतनी लाइन है। भीमा शंकर की लाइन, हम लोग 10 किलोमीटर पीछे आए हैं और ये और 1.5 किलोमीटर की लाइन। लुक एट दिस शिट मैन, कब पहुंचेंगे, कब दर्शन करेंगे ये लोग? भाई वीकेंड में मतलब आना मुश्किल है यहाँ पे 4-व्हीलर लेके। अरे भाई भाई भाई, लाइन अभी भी जा रही है। दिस इज द ब्यूटीफुल नेचर। अभी टॉप स्पीड चेक करते हैं इसकी, अगर रोड ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मेरे को टक इन करने नहीं मिलेगा क्योंकि पीछे बैग है, तो विंड ब्लास्ट की वजह से भी शायद टॉप स्पीड कम हो सकती है। सो ये 3, 2, 1 गो। तो मेरे वेट और मेरी बैग के वेट के साथ ये टॉप स्पीड अभी 150 ही जा रही है। एक और बार ट्राई करते हैं।
गाड़ी बीच में घुमा दी। अभी मैं रिटर्न आ रहा था, रस्ते के बीच में कुत्ता और एक बाइक वाला जा रहा है, अचानक उसने यूटर्न मार लिया रस्ते के बीच में। भाई इसीलिए टॉप स्पीड है, इतना खाली रोड है फिर भी ये चापा। तो टॉप स्पीड की दिक्कत ये हो रही है कि एक तो पीछे बैग है तो मैं टक इन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए वो एयर कट नहीं हो रही है। ठीक है, अपने को एरोडायनामिक बनाना है ऐसे रॉकेट की तरह। तो अगर एरोडायनामिक रहेगी तो हवा ऊपर से पास होगी और गाड़ी भागेगी, तो इसीलिए मोटो जीबी में सब ऐसे टक इन करके बैठते हैं। लेकिन अपना टक इन नहीं हो रहा है और विंड ब्लास्ट पूरा मेरे बॉडी पे लग रहा है, तो बाइक आगे जाने से अपने आप को रोकती है क्योंकि विंड ब्लास्ट हो रहा है। इसीलिए लोग यहाँ पे ये विंडस्क्रीन लगाते हैं, तो उससे भी अपने को टॉप स्पीड थोड़ी मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात वजन, मेरा 95 kg और बैग का कुछ 10-12 kg, तो वो भी मायने रखता है। अगर यही गाड़ी मैं संजय को दूंगा जिसकी हाइट भी कम है बॉडी वेट भी कम है, तो शायद वो मेरे से ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव कर पाएगा, लेकिन कम कर पाएगा क्योंकि वो भी टकिंग नहीं कर पाएगा, पीछे बैग है तो आगे की सीट पे ही करना है जो भी करना है। वरना टकिंग करने के लिए हम लोग अपने आप को थोड़ा पीछे से शिफ्ट करते और फिर नीचे टकिंग करते। सो या कोई बात नहीं, गाड़ी अपनी ही है, ऐसे नहीं कि किसी की मीडिया बाइक रहा कि अपन सब चेक कर रहे हैं। मीडिया बाइक वालों ने जितने भी टॉप स्पीड चेक किया उन लोग को पूरी गाड़ी खाली मिली और ट्रैक रोड पे मिली है जहाँ पे कोई बीच में नहीं आता है। आप लोगों ने देख लिया अभी अपने बीच में कैसे लोग अचानक भयानक हाईवे के बीच में टर्न मार रहे हैं, साथ में कुत्ता फ्री। चलो ठीक है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप लोग ये सब ट्राई मत करना, मैंने सारे सेफ्टी गियर्स वेयर सब पहने हुए तो इसीलिए। अरे यार रोड इतना अच्छा है लेकिन बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो खींचड़ी नहीं मिल रही बाइक। फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये स्पीड ब्रेकर। भाई अभी तो अच्छी भाग रही थी यार, स्पीड ब्रेकर ने पूरी वाट लगा दी। क्या ब्रेकिंग है भाई गाड़ी की, आउटस्टैंडिंग। गाइस मैंने आज तक कभी अपनी नई बाइक को 1000 किलोमीटर के पहले फुल रेव नहीं किया, मैं हमेशा 4000 RPM तक ही चलाता था, उसके बाद सब रेव करता था जब फर्स्ट सर्विस हो जाती है। आप भी यही करना, मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार फुल रेव करो, टॉप स्पीड ट्राई करो, बार बार हर वीडियो में आ रहा था, इसलिए मैंने ट्राई किया। लेकिन आप लोगों के अच्छे के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर नई बाइक लो तो प्लीज़ 1000 किलोमीटर के पहले ये सब मत करना। 4000 RPM पे चलाओ, मस्त स्मूथ मजे लो। यार इतना मक्खन की तरह चलती है ना बाइक, और ट्रैफिक में जो फिल्टरिंग करने को मजा आ रहा है, मैं कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, बस कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड एंड नेल इट। तो मुझे कुछ डिस्कस करना था, एक मिनट में पहले गाना बंद कर देता हूँ यार, अरिजीत सिंह बहुत ज़्यादा रो रहा है, पॉज हो जा। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि मुझे अभी कमेंट में किसी ने बोला कि बाकी सब तो बढ़िया है लेकिन एवरेज इसकी 18 किलोमीटर पर लीटर है। 18 किलोमीटर किसने बोला भाई, ये Z900 थोड़ी है, उसकी 16 आती है, जो 900 cc की बाइक है उसकी एवरेज 16-15 मिलती है, इसकी 18 किसने बताई। अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ, ठीक है, आपकी वजह से मैं पेट्रोल फिल नहीं कर रहा हूँ। तो ये देख लो, ट्रिप हो गई है 370 किलोमीटर और अभी भी मेरी फ्यूल रेंज है 90 किलोमीटर। टोटल कितना हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ हर राइड पे, मतलब हर रेस पे, टोटल कितना हुआ 370 + 90 = 460। अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा ना कॉन्स्टेंटली सिक्स गियर पे तो ये 90 का 100 हो जाएगा, तो आप पकड़ो 470, ठीक है 470, 15 लीटर की टाकी, तो 15 लीटर में अगर 470 का अपने को फ्यूल रेंज मिला तो कितनी एवरेज हो गई, 31 की होती है, 31, 29, 30, 31। तो अगर आप सिटी के हिसाब से देखो तो 25 पकड़ो, और अगर हाईवे के हिसाब से देखो तो आपके सामने है
31 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कम भी बोलूं तो मुझे 29 की एवरेज दे रही है भाई। 29 इज नॉट बैड, इतना बड़ा पावर बहुत अच्छी है मेरे लिए, तो मोर देन इनफ है। बाकी जिसको 18 मिल रही है, भगवान उसकी बाइक को लंबी माइलेज दे। पिछले वीडियो में मैंने आपको शाउट आउट देना था लेकिन मैं भूल गया, सो बिग शाउट आउट टू निटुल दास, हमारे सब्सक्राइबर है, हर वीडियो में कमेंट करते हैं, हर वीडियो को लाइक करते हैं। ऐसे ही गाइज आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो, हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और ये इसको साथ रख के भी और अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे। बाकी जो सपोर्ट अभी मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात है, कि मुझे पता नहीं था कि अचानक से इतना हाइप होगा। आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड विद अ लवली ऑडियंस लाइक यू गाइस, रियली अप्रिशिएटेड गाइस, रियली। क्या क्या देखना है आप लोग बताते रहो, मैं हर एक चीज सुन रहा हूँ, हर एक चीज को मैं नोट कर रहा हूँ, बस वो टाइम और जगह की वजह से मुझे वो बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है। आप वेट करना, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ओह माय गॉड, लुक एट द व्यू, इतना फॉग। आप सोचते रहेंगे ये बार बार इतना फॉग क्यों बोल रहा है। एक्चुअली हम मुंबई वालों को ना फॉग देखने की आदत नहीं है, तो जहाँ फॉग देखते हैं ना तो हम पागल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ह्यूमिड रहता है क्लाइमेट। तो हम गर्मी देखेंगे ना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे 12 महीने गर्मी में पड़े रहते लेकिन अगर हमारे मुंबई में विंटर सीजन में भी अगर एक दिन ठंड पड़ गई ना तो हम लोग पागल हो जाएंगे, एक दूसरे को बोलेंगे अरे भाई आज क्या ठंड थी। सो दीज आर द प्योर मुंबईकर्स। बारिश आया उसके पहले मैं एक बात डिस्कस कर लूं कि मॉडिफिकेशन अच्छी चीज़ है, उसमें बाइक अपनी बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, सब कुछ मतलब हर चीज़ मान ली मैंने, ये अच्छा दिख रहा है। इसको लोग बोल रहे हैं नीचे लगाओ और अच्छा दिखेगा, आई एडमिट, बट जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि वाइब्रेशन बहुत दे रही है। कल मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई थी, उसके बाद मेरा ये जो अंगूठा है ना वो पूरा नम रहा है पूरी रात, सुबह तक, सुबह भी मुझे वो मतलब बहुत ये नाखून जो होता है बहुत नम लग रहा था, सिर्फ राइट हैंड का, जैसे कि मैंने बोला राइट हैंड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है। तो उसमें इसीलिए क्योंकि एक्सीलरेटर के आजू बाजू में हम लोग ने ना थोड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है ताकि वो जैम ना हो जाए मिरर के साथ। बात ये है कि बार एंड जो इसके दिए थे ना वो हमने निकाल दिए, तो वो बार एंड का जो वेट है ना वो हटने के बाद इसका वाइब्रेशन बढ़ा, क्योंकि उसके पहले वाइब्रेशन नहीं थे बाइक में, बहुत स्मूथ थी, अभी भी स्मूथ है हायर आरपीएम में, लेकिन जो आरपीएम में मैं चलाता हूँ ना वो आरपीएम में वाइब्रेशन मैंने फील नहीं की है। इसको हटाने की वजह से पूरा हैंडल, पूरा टैंक सब वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया है। की अभी 390 का ट्रिप दिखा रहा है, लेकिन जो फ्यूल है अभी वो रेंज जीरो दिखा रहा है। वो जीरो का मतलब वो एक्चुअली जीरो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ डराने के लिए कि यहाँ पे फ्यूल रिजर्व लिखा हुआ है ताकि आप पैनिक होके अपना पेट्रोल जल्दी भर दो। क्योंकि चीज क्या होती है, फ्यूल इंजेक्टर बाइक में ना कभी भी पेट्रोल की टैंक पूरी जीरो नहीं करनी चाहिए। तो ये जो लोग बनाते हैं ना कि फुल टैंक जीरो करने के बाद एक बोतल वाला वीडियो, वो बाइक को पूरी डैमेज कर देती है, तो वो नहीं करना चाहिए अपने को। जितने की आपकी टोटल टैंक कैपेसिटी है उसका 10% हमेशा आपकी बाइक में रहना ही चाहिए। तो अपना अगर 15% का टैंक है तो उसको 1.5 लीटर 1.5 लीटर सही है, तो मैं अब भर देता हूँ। तो जैसे वो 70 या 60 दिखा रहा था, अभी 60 होना चाहिए, तो 390 प्लस 60 450 या 460 का, जो भी 70-60 का हिसाब से, तो अगर 60 का रेंज दिखाएगी तो 450 हो जाएगा, और 70 का रेंज दिखाएगी 460। तो अपनी एवरेज फिर भी अगर 10 किलोमीटर भी कम करोगे तो टोटल 15 लीटर के हिसाब से ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, 31-32। इसलिए मैंने 28-29-30-31 चार आंकड़े दिखाए आपको, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, उतनी अपनी एवरेज है। फुल कर दो ना सर। कभी मेरी नजर से खुद को देख भी। 9.75 लीटर 1250 का पेट्रोल, 106.35 रुपया पर लीटर। तो राइट नाउ वी आर इन लोनावला, जो फेमस है पूरे महाराष्ट्र में, लोनावला, महाबलेश्वर, माथेरान, ये सारे हिल स्टेशंस। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी लोनावला तो पता ही है, क्योंकि वो बहुत फेमस नाम है, सारे उसकी बातें करते हैं। भाई बहुत ट्रैफिक है यार। 9% बैटरी लेफ्ट ऑफ माई GoPro, बाकी की 2 बैटरी है बैग में, लेकिन बैग को मैंने पूरी बंजी कॉर्ड से बांधी हुई है, तो वैसे भी अपना व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है।
तो GoPro को रख देंगे बैग में। तो मेरी बैटरी मुझे बोलती है मुझे शूट करो जब तक है जान। अच्छा ओके ब्रो, व्हाई नॉट।